उमेश पाल हत्याकांड मामले में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। अतीक के भाई अशरफ का साला सद्दाम गिरफ्तार। दिल्ली के मालवीय नगर से हुई गिरफ्तारी, 1,00,000 रुपए का था इनाम। पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान। कांग्रेस का भगवत मान सरकार पर राजनीतिक साजिश का आरोप। आम आदमी पार्टी का INDIA गठबंधन में दरार से इनकार। राजस्थान में बड़ी बैठक के बाद जयपुर से रवाना हुए अमित शाह और जेपी नड्डा। देर रात और आज सुबह उम्मीदवारों के नाम पर राजनेताओं के साथ मंथन। 24 घंटे में आ सकती है राजस्थान में बीजेपी की पहली लिस्ट। कोचिंग हब कोटा में एक और छात्रिनी की खुदकुशी। परीक्षा की तैयारी कर रहे यूपी के तनवीर ने फांसी लगाकर दी जान। जनवरी से अब तक 27 छात्रों ने की आत्महत्या। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नाबालिग लड़की से दरिंदगी पर हिरासत में लिया गया एक ऑटो चालक। शुरुआती पूछताछ में मिले मामले से जुड़े होने के सबूत। SIT कर रही है मामले की जांच। प्रमुख तौर पे एक ऑटो चालक को अभिरक्षा में लिया गया। उससे जब पूछताछ हुई, पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। राजस्थान के सीकर में रेप के बाद नाबालिग की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 25 सितंबर को कुएं में मिला था शव। बीजेपी ने राजस्थान में जंगल राज का लगाया आरोप। एशियन गेम्स में भारत को मिला 6ठा स्वर्ण पदक। पुरुषों की 100 मीटर एयर पिस्टल टीम ने सोने पर लगाया निशाना। वुशु में मिला सिल्वर। प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने दी बधाई। 10 दिन के गणेश उत्सव के बाद आज हो रही है बप्पा की विदाई। विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं श्रद्धालु। हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया की गूंज। और News18 India लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए फिर एक बार News18 India पर ही जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहाँ लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज लीडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। News18 India, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल।